हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं मनदीप प्लम्बर्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक एमफिल और पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि आपकी यहां पर गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी सांबलपुर से आपकी आई है। और इसमें एमफिल और पीएचडी पोस्ट के लिए आपकी यहाँ पर एडमिशन मांगी गई है, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले तो पीएचडी और एमफिल जो दोनों नोटिफिकेशन जो भी आई हैं वो इनको सब्जेक्ट्स पर आई हैं, देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। और इसके साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिस्कस करेंगे और क्या फीस रहेगी, क्या एडमिशन प्रोसेस रहेगा और उसके साथ कब इंट्रेंस टेस्ट होगा, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के जो आपके कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या शेड्यूल रहेगा, क्या किस तरीके से होगा, सभी चीजें आपकी डिस्कस की जाएंगी। कितनी फीस होगी और इसके साथ साथ क्या क्या करना है वो आपको इस वीडियो में मिलेगा, राइट। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें और इसके साथ साथ इस चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी जरूर दबाएं, राइट। सबसे पहले हम एमफिल की बात करें, एमफिल और पीएचडी की। तो यहाँ पर एमफिल जो प्रोग्राम है उनके लिए आपकी गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी है, ये आपके संबलपुर ओडिशा में स्थित है। इसमें आपके एमफिल के लिए सबसे पहले तो आपकी कुछ सीट डिपार्टमेंट्स में 8-8 सीट आई हैं। जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आपके यहाँ पर 24 आपके डिपार्टमेंट्स हैं मेजरली, उसमें आपके 8-8 सीट हर एक में आई हैं। ये कुछ आपका सही रहा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हर एक डिपार्टमेंट में 8-8 सीट आई है। इसका सर क्या टाइम पीरियड रहेगा, किस तरीके से आप है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सभी की तरह यहाँ पर 55% आपके मार्क्स होने चाहिए आपके मास्टर्स में, और 50% आपके एससी एसटी और ओबीसी पीएच कैंडिडेट हैं तो आपके यहाँ पर 50% आपके नंबर होने चाहिए। जो भी यूजीसी नेट सीएसआईआर नेट स्लैट गेट आपके पास हैं तो आप यहाँ पर जो भी आपके जैसे कि आपकी स्टडी लीव चाहिए या फिर टीचर फेलोशिप है तो आपके गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के अकॉर्डिंग जो आपकी रूल्स होंगे उनके अकॉर्डिंग आपको कंसर्न किया जाएगा। और इसके साथ साथ एग्जेम्प्टेड रहेंगे वो कैंडिडेट इंट्रेंस टेस्ट से, ठीक है। तो ये भी आप ख्याल रखें। और इसके साथ साथ जो भी आपके एमफिल आपके फुल टाइम आपके जो आपके कोर्स है और इसके साथ साथ जो भी एम्प्लॉयड हैं या फिर और कहीं काम कर रहे हैं तो वो आपके यहाँ पर कंसिडर नहीं किए जाएंगे। एडमिशन के लिए बात करें तो आपके 19/12/2020 को आपका 10 बजे से 11 बजे तक तो इंट्रेंस टेस्ट होगा और वाइवा जो इंटरव्यू है वो आपका 11:30 बजे उसी दिन 19/12/2020 को ही होने वाला है, राइट। यहाँ पर जो फीस की बात करें तो एमफिल के लिए आपके 500 रुपये फीस होगी और ये जो आपके इनके फेवर में आपके यहाँ पर फी पे करनी है, ये आपका डिमांड ड्राफ्ट होगा, ये आप ख्याल रखें। इसके साथ साथ लास्ट डेट जो आपकी सबमिशन होगी इसमें एक बात ख्याल रखें कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सेंड करने हैं 12/12/2020 से 4 बजे से पहले पहले, ठीक है। तो ये आपके बाय पोस्ट आप भेज सकते हैं, आप कोरियर कर सकते हैं या बाय हैंड भी आप दे सकते हैं, ये आपको करना होगा जब भी आप एडमिशन पा सकते हैं। इनके फेवर में आपको यहाँ पर इस पते पर आपको भेजना है, राइट। तो ये कुछ आपकी रहेगी। इसके साथ साथ पीएचडी की बात करें तो पीएचडी के लिए यहाँ पर आपकी जो सीट्स हैं नंबर ऑफ सीट्स वो आपकी अलग अलग हैं और ये सेम आपके यहाँ पर जो सीट्स की बात करें तो 20 आपके डिपार्टमेंट्स में आई है। एंथ्रोपोलॉजी में 6, बायोटेक्नोलॉजी में 5, केमिस्ट्री में 4, कंप्यूटर साइंस में 3, कॉमर्स में 2, इकोनॉमिक्स 6, एजुकेशन 3, आपकी इंग्लिश में 12, ज्योग्राफी आपकी 9, हिस्ट्री 6, लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन 4, ओडिया 4, मैथमेटिक्स 5, फिलोसफी 6, फिजिक्स 14, पॉलिटिकल साइंस 9, फिलोसफी यहाँ पर सोशियोलॉजी 6, संस्कृत आपकी 9, सोशियोलॉजी आपकी 2 और स्टेट्स में आपकी 3 सीट्स रहने वाली है। और ये आपकी जो भी टेबल है वो आपकी चेंज हो सकती है, ये आपकी सुपरवाइजर के अकॉर्डिंग रहेगा, राइट। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है आपकी 55% आपके यहाँ पर होगी और जो भी आपके रिजर्व कैंडिडेट हैं उनके लिए आपकी यहाँ पर आपके 50% नंबर चाहिए। यहाँ पर फीस है वो डिफरेंट है, ये भी ख्याल रखें कि एमफिल की जो आपकी फ़ीस थी वो आपकी 500 थी और यहाँ पर आपकी पीएचडी के लिए 1500 कर दी गई है, यानी कि 1500 रुपये आपकी फ़ीस होगी और इनके फेवर में आपको यहाँ पर पे करनी है। ये भी सेम आपकी डेट रहेगी, 12/12 से पहले आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स सेंड करने होंगे इस पते पर। एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो पीएचडी प्रोग्राम के लिए जो भी आपकी करियर असेसमेंट है इंटरव्यू है उसके यहाँ पर जो नंबर्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख सकते हैं। और 18 दिसंबर 2020 को आपका एंट्रेंस टेस्ट और उसके साथ साथ यहाँ पर इंटरव्यू भी होने वाला है, ये भी आप पीएचडी का ख्याल रखें, राइट। ये कुछ आपके करियर असेसमेंट के इस तरीके से आपको नंबर मिलेंगे, ये भी आप ख्याल रखें। और इसके साथ साथ आपकी रिजर्वेशन जो आपकी है वो स्ट्रिक्टली आपके रूल्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के अकॉर्डिंग आपके लागू होंगे, ये भी आप ख्याल रखें, राइट। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड है वो आप कोई देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर और ये आपको भेजने होंगे यहाँ पर बाय पोस्ट बाय हैंड
ये आप ख्याल रखें, यहाँ पर ऑनलाइन का सिस्टम नहीं है, राइट। ये कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, डिस्पैच और जो भी आपके रिगार्डिंग बातें हैं वो आपकी ये देख सकते हैं। ये आपका यहाँ पर जो डेट ऑफ इंट्रेंस टेस्ट है वो 18/12/2020 को, आपकी रिटन टेस्ट यहाँ पर 18/12/2020 को 10 से 11 बजे तक, और 11:30 बजे यहाँ पर इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगी, ये भी आप ख्याल रखें। 22 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा बहुत जल्दी, और ये आपका यूनिवर्सिटी जीएम यूनिवर्सिटी सांबलपुर के रिगार्डिंग आपकी इन्फॉर्मेशन रहती है। होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसके बारे में अवेयर हो सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।